हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वीएस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इंस्टेंट इडली बनाना। इंस्टेंट इडली यानी हमारे पास हमने ना तो चावल और दाल भिगोई है, ना खमीर उठाया है, ना हमारे पास बैटर है, तो हम कैसे बनाएं? तो देखिए, हम उसका लुफ्त कैसे ले सकते हैं। मैंने यहाँ जो है ये चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इस चावल के आटे को बना भी सकती हैं। इस चावल के आटे को, चावल जो है वो आप अच्छी तरह से साफ करके यानी कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ करके और मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लीजिएगा और फिर छान लीजिए, तो आपके पास चावल का आटा तैयार मिलेगा। इसमें डालने के लिए मैंने पापड़ खार लिया है, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून पापड़ खार। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसमें इनो या थोड़ा सा खाने का सोडा डाल सकती हैं और नमक। इसका मेजरमेंट एज यूजुअल मैंने एक ये बाउल ले लिया है और इसका एक बाउल यदि चावल का आटा है तो हम डेढ़ बाउल जो है वो पानी डालेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने डेढ़ बाउल यानी 1 बाउल मैंने आटा लिया है चावल का, तो डेढ़ ये का पानी डाल दिया। और इस पानी को अब हम इस देखिएगा इस तरह से है, इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे यानी 2 चम्मच के करीब 2 चम्मच डाल लेंगे। टीस्पून जो होता है उतना डालेंगे और इसी में डाल देते हैं नमक। इसको बॉयल होने देंगे, नमक की मात्रा कम रखें। इसी में हम हमारा पापड़ खार मिला देंगे, इससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी यानी इडली के टेस्ट का ही हम ये इंस्टेंट अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं या छोटी मोटी भूख के लिए जब भी मन करे तब आप इसको बना के खा सकती हैं। जब पानी बॉयल हो जाए फ्रेंड्स तो हम अपनी गैस को सिम कर लेंगे और अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए इसको मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। इसका हम गांठें ना पड़ने पाए अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं। गैस को बंद कर दीजिएगा फ्रेंड्स। 5 मिनट हो गए हैं। इसको अब ऑयल का हाथ लगा करके मसल लेंगे और दूसरी तरफ हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने गर्म पानी रख दिया और इसमें एक स्टैंड लगा दिया, आप कटोरी स्टैंड कुछ भी लगा सकती हैं। और इसी को कवर करने के लिए मैंने ये रखा है, इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो। और इसमें एक ग्रीस की हुई इस तरह की प्लेट या आपके पास अगर कुछ और है तो उसको रख देंगे और इसके ऊपर हम अपने बनाई हुई वो इडली देंगे जो इंस्टेंट हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले पानी को बॉयल होने देते हैं। इस तरह से रखिएगा ताकि हाथ जले नहीं, अभी गर्म है ये हल्का, अभी भी गर्म है फ्रेंड्स। और यदि आपको ये टाइट लगे यानी पानी आपको कम लगता है तो हल्का सा गर्म पानी को आप इस पर छिड़क करके स्प्रिंकल कर लीजिएगा और फिर इसका डो तैयार कर सकती हैं। और अब इसकी राउंड राउंड छोटी छोटी सी हम गोलियां बना लेंगे। डो हमारा इस तरह से चिकना हो जाना चाहिए। हमारी बॉल्स तैयार हैं, स्टीमर को देख लेते हैं। इधर स्टीमर भी तैयार हो गया, अपनी प्लेट को रखें जिसमें हम जिसको हमने ग्रीस किया हुआ है और इसमें अपनी बॉल्स रख देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको जो है स्टीम करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस रखते हुए करेंगे ताकि जब ये फूलें तो इनको स्पेस मिल सके और 15 मिनट के लिए रख देंगे। यदि इसमें आपको पानी कम लगे स्टीम में तो आप साइड से पानी भी डाल सकते हैं।
15 मिनट के बाद हम जो है इसको पकाएंगे, मगर ध्यान से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल्स अच्छी फूल भी गई हैं, बहुत सॉफ्ट होंगी। जब हम इसको यूज़ करेंगे तब पता लगेगा, आप देखिएगा। देखिए, और अगर आपको लगे कि ये कच्ची हैं तो आप 5 मिनट और भी पका सकती हैं। अब हम गैस को बंद करके इन्हें निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म इडली स्टाइल बॉल्स हमारे, ये देखिएगा, स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसको या तो ऐसे ही इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं, यदि आप तड़का वगैरह नहीं करना चाहें, और यदि इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो हम इसको देखिए तड़का लगा के एक दूसरे स्टाइल में भी पेश कर सकते हैं। इसे आप चटनी के साथ, सांभर के साथ, सूप के साथ भी ले सकती हैं और गर्मा गर्म लुफ्त उठा सकते हैं। इस तड़के में देखिएगा, राई में हम तड़का लगाएंगे, उसके बाद में इसमें उड़द की धुली हुई दाल जो है, सॉरी ये तिल है, तिल डालेंगे, तिल बाद में डालेंगे, उड़द की धुली दाल लेंगे, इसको तड़के में डालेंगे, हरी मिर्च यदि आप चाहते हैं, और करी पत्ता, इसमें कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं हम, और इटालियन सीजनिंग भी जो आपको पसंद है वो यूज़ कीजिएगा, और ये तिल लास्ट में डालेंगे। अगर हम तिल को उड़द की दाल की जगह शुरू में ही डाल देते हैं तो ये जल जाएंगे और जलने पर इनका स्वाद कड़वा हो जाएगा, इसलिए तिल को हमेशा बाद में ही डालें और उसको ज़्यादा ना सेकने दें। यहाँ देखिएगा, हम मैंने ऑयल ले लिया एक बड़ा चम्मच। अब इसमें सबसे पहले राई डालते हुए गैस को कम कर लेंगे और इसी के साथ में उड़द की दाल डाल देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा इसको ब्राउन करना है हमें। और इसी के साथ हम डाल देते हैं हमारी हरी मिर्च, अगर आपको डालना है तो करी पत्ता, लाल मिर्च डालना चाहें तो इस समय डाल सकती है, कलर चेंज हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम हमारा तिल डालेंगे और इसके अंदर हम अपनी बॉल्स डाल देंगे। तिल डालते समय गैस बंद होनी चाहिए और उसी में ये हल्का सा इसका कच्चापन खत्म हो जाना चाहिए। अब इसमें हम अपने बॉल्स डाल सकते हैं और इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप इसमें उड़द की दाल के साथ चने की दाल भी मिक्स कर सकती हैं। इस समय इसमें कोकोनट पाउडर, आप इसमें ड्राई और या फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं। बच्चे इटालियन सीजनिंग डाल देंगे आप तो वो बहुत खुश होकर के खाएंगे, या कोई हर्ब्स भी डाल सकती हैं आप, जो आपको अच्छा लगे, मैगी मसाला भी डाल सकती हैं। ये हमारी इडली स्टाइल बॉल्स जो हैं वो इंस्टेंट हम इनको तैयार कर सकते हैं और इनका स्वाद आपको बिल्कुल इडली जैसा ही लगेगा। खा करके देखिएगा और देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए, और अंदर तक पक गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आज मैं इसको सूप के साथ, हेल्दी सूप के साथ में सर्व करूंगी फ्रेंड्स, और ये हमारा इंस्टेंट इडली स्टाइल्स जो बॉल्स हैं वो तैयार हैं। आप खाइए, खिलाइए और हेल्दी रहिए, फिट रहिए। जो चीज़ आपको इसमें अच्छी ना लगी हो वो ना यूज़ करें, अदरवाइज ये आपको डेलिशियस एंड हेल्दी रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आप इसे मूंगफली की चटनी और सांभर के साथ भी यूज़ कर सकती हैं।